Hello friends, today I'm going to giving you a one interview tips, and that is for the very important question that everybody is going to face. And this question is tell me about yourself. So today I'm going to tell you the answer of this question, tell me about yourself. I've written here question that now you can see it very properly. Tell me about yourself. Means, how will you give the answer of this question? Friends, one thing I'll tell you, this is the question that every employer is going to ask you. This every employer will ask, and this question is going to ask you in the, self-introduction, for the self-introduction. Means, if here one question that will be arises, that why precisely self-introduction? Kyun ye require? So, yahan par main aapko bata dun, ये एक जस्ट अटेम्प्ट होता है टू एक्सप्लेन हु यू आर, योर ऑक्यूपेशन, एंड वन एम्प्लॉयर वांट टू नो अबाउट यू. यूजुअली इट यूजुअली अकर्स एनी टाइम देयर इज अ मीटिंग बिटवीन यू एंड समवन एल्स और यू एंड अ ग्रुप ऑफ पर्सन. तो अब सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि जब भी आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, और आप एक चीज और ध्यान रखिए, जो जरूरी नहीं है, ये हम जॉब इंटरव्यू में ही इसके बारे में बातें करते हैं. Means, tell me about yourself, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि जो आपको सोशल गैदरिंग्स में भी इसके बारे में बोलना पड़ सकता है, पब्लिक फोरम पे भी आप बोलते हो. जब भी आप कोई नए कनेक्शंस, यानी कि लिंक्डइन में आज के डेट में हम लोग नेटवर्क बना रहे हैं, तो नेटवर्क बना रहे हैं, तो वहां पे न्यू कनेक्शंस के बारे में जब आप न्यू कनेक्शंस को कनेक्ट करते हो, तो यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ. जब आप कहीं पे प्रेजेंटेशन देते हैं, तो प्रेजेंटेशन के वक्त में भी आपको इस क्वेश्चन के आंसर बताना पड़ता है, यानी कि आप कहीं ना कहीं आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हो. आप जब किसी मीटिंग पे जाते हैं, once you are meeting clients on a business date, as some of the places, तो वहां पे भी आपको बताना पड़ता है जो कि अपने बारे में, means self introduction. तो एक चीज आप जान लीजिए, जो ये self introduction बहुत ही important है. ये तो आपने समझ लिया. इस तरीके से you understood now that self introduction is a very much important. Now friends, I am going to give you a tips, or you can say tricks also about this self introduction. मतलब आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को, वॉच करेंगे, देखेंगे. मैं ये पूरा एंड तक आप देखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन मैं शेयर करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ, जो कि जो ये इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में हमेशा काम आएगी, हमेशा काम आएगी दोस्तों. नॉट ओनली दैट, जस्ट आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तभी मेरे को बताना है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इसका मैं आंसर बताऊंगा, ऐसा नहीं है. मीन्स ये ट्रिक्स आपको हमेशा हर जगह पे काम आएगा. So one thing आप जान लीजिए, जो कि जब भी बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, एंड डूइंग इट राइट यू हैव टू मस्ट एम्फेसाइज दैट देयर इज यूजुअली नो टाइम फॉर अ सेकंड चांस. यू कैन हियर पीपल, वंस यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फर्स्ट इंप्रेशन, देन इट्स अ मैटर्स अ लॉट. सो हाउ विल यू गिव द आंसर ऑफ द टेल मी अबाउट योरसेल्फ? सी, आप एक चीज जान लेंगे, जो जब भी टेल मी अबाउट योरसेल्फ इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखोगे, उससे पहले दो चीजें आपको ध्यान रखें, तीन पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं. तीन पॉइंट्स क्या ध्यान रखने हैं, यानी कि थ्री स्टेप्स आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है. सबसे फर्स्ट, प्रिसाइज. मींस आई एम राइटिंग हियर दैट प्रिसाइज प्रोफेशनल बैकग्राउंड, प्रिसाइज प्रोफेशनल बैकग्राउंड. मींस प्रिसाइज प्रोफेशनल बैकग्राउंड, प्रिसाइज प्रोफेशनल बैकग्राउंड का मतलब यहां पे क्या हो गया, जो कि जो आपको सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है, जो कि जो आप जब किसी को इंट्रोडक्शन देते हैं, तो आप अपना प्रोफेशनल बैकग्राउंड आपका क्या है, इसके बारे में आपको कुछ खुद नोट्स आप एक बना लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको इसकी जरूरत पड़ती है. जो जब भी हम प्रोफेशनल बैकग्राउंड का मतलब, जब हम सेल्फ इंट्रोडक्शन दें, तो हमारा नाम, हमारा ओकेजन, जो कि जो किस ओकेजन पे डिपेंड करेगा, जॉब टाइटल और क्वालिफिकेशन, that ये बहुत जरूरी. means you should begin self introduction with your name, depending on the occasion, job title or qualification could follow. so if it is a job interview, for example, for instance, so then you should include educational qualification, certifications or current job status. and this is you have to keep in mind. next is your experience and achievements, precise professional background, experience and achievements. जब भी आप प्लान कर रहे हो, जो कि मुझे किसी को अपने बारे में बतानी है, तो सबसे फर्स्ट तो आपको बैकग्राउंड के बारे में, आपको प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है उसके बारे में आपको प्लान करनी है.
आपको प्रैक्टिस करनी है, आप कुछ नोट्स बना लीजिए, कुछ ड्राफ्ट कर लीजिए, कुछ अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए जिसमें आपको पता चले, जो कि जब मैं, और उसको प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद सेकंड, एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स, एंड थर्ड, योर इंटरेस्ट एज ए लीड इनटू द मेन डिस्कशन। मींस तीन पॉइंट्स आप ध्यान रखें, इस तीनों का मैं सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो फर्स्ट मैं पहले ये दो एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं थर्ड पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट है प्रिसाइज प्रोफेशनल बैकग्राउंड, मीन्स यू शुड बिगिन सेल्फ इंट्रोडक्शन विद योर नेम, डिपेंडिंग ऑन द यू नो ओकेजन, जॉब टाइटल और क्वालिफिकेशन कुड फॉलो। So if it is a job interview, so then for instance, then you have to include your educational qualification, certifications or current job status. So here, आप ये कैसे बताएंगे? तो just मैं आपको एक example दूँ, क्योंकि जब आप एक example सामने, जैसे मैं खुद पे मैं आपको example दे रहा हूँ, जैसे हम बता रहे हैं, my name is Jay Prakash and I am a MBA HR graduate from the University of Calcutta. Assume करके हम बोल रहे हैं। You know, ये अब जैसे ये एक इंट्रोडक्शन है हमारा, अब यही एक एम्प्लॉयड, ये जस्ट मेरा एक इंट्रोडक्शन हुआ अगर मैं काम नहीं कर रहा हूँ तब, लेकिन अगर मैं एम्प्लॉयड हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो तब किसी को मैं कैसे जॉब इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन देंगे? तो देन माय नेम इज जे प्रकाश एंड आई एम एचआर मैनेजर इन आई फॉर बेस्ट। तो अब ये या फिर हम ये भी बोल सकते आई एम एचआर बिजनेस पार्टनर फॉर आई फॉर बेस्ट। तो सो इन दिस वे हम इस तरीके से एम्प्लॉयड पर्सन का जॉब इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन होगा। अब यहाँ पे जबकि मैं शुरू में ही बोला था, जो कि जो आपका एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स, इसको ऐड करेंगे, इसको के ये तो जस्ट एक बैकग्राउंड के बारे में बता रहे हैं, प्रोफेशनल बैकग्राउंड में हम इस तरीके से डिस्कस करते हैं। अगर हम जॉब में नहीं है तो हमारा पहला आंसर क्या होगा, अगर हम जॉब में है तो क्या आंसर होगा, ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरी पॉइंट जो मैं बोला था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपको इंक्लूड करनी है, दैट इज एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स। You know, these patterns aim to highlight very important detail about self to the person you are speaking and or your audience. So in a job interview, for instance, you talk about your professional skills and accomplishments. So वहाँ पर आप क्या करेंगे? If you are talking to an audience, you can say something that reinforces your authority in that subject matter under discussion. Thus, you are introducing yourself with an emphasis of what you can offer. अब लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जबकि जो अगर हम जस्ट दैट एग्जांपल मैं आपको जॉब इंटरव्यू का बता रहा हूँ, जो जब मैं इसके अपने एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स को ऐड करके हमारा आंसर क्या हुआ, तो हम बोलेंगे माय नेम इज जे प्रकाश एंड आई एम राइट नाउ सीकिंग एंड एक्सपीरियंस्ड यू नो लेवल एचआर मैनेजरियल जॉब एंड दैट विल एनेबल मी टू यूटिलाइज माय अटेंशन टू डिटेल्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड एचआर मैनेजमेंट स्किल्स। मींस यहाँ पे मैंने इस तरीके से अपने एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स को इंक्लूड किया, और यू नो इन द एंड ये तो हो गया सेकंड क्राइटेरिया हमारा। और थर्ड क्राइटेरिया, जब भी हम टेल मी अबाउट योरसेल्फ में बताएंगे तो आप ये दो पॉइंट्स तो डिस्कस किया, थर्ड पॉइंट, थर्ड क्राइटेरिया आपको ध्यान रखनी है, योर इंटरेस्ट एज अ लीड टू डिस्कशन। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब लीड टू द हम मेन डिस्कशन हम बोल सकते, इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज आप जान लीजिए, योर कंसर्न इज हियर टू लेट योर ऑडियंस नो ऑफ द यूनिक इंटरेस्ट दैट यू हैव ऑन दैट सब्जेक्ट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। मींस बाय दिस यू आर ऑलरेडी टेलिंग देम व्हाट यू वांट टू देम टू नो। मींस इन डूइंग द इंट्रोडक्शन इट शुड ऑल्सो रिफ्लेक्ट अ कॉल फॉर एक्शन, यू नो। And like for example, in an interview situation, for instance, say exactly what they want to hear by indicating that you are the most qualified person for the job, and be ready to take the next question that could come out as an offshoot of your claim. Like for example, just now I can say you that suppose self-introduction, I'm going to give the job interview. So then for that I have included all these three things and then how will be my answer, main kaise is answer ko bataunga. To aap isme bahut dhyan se aap sunenge, jaise my name is Jay Prakash, I am a fresh MBA HR graduate from the University of Calcutta and I have been functioning as a HR business partner in I4Best this year and now I am eager to get my usually first HR managerial position in this reputable company. I have many on-the-job knowledge about payroll, compliances, recruitments, and which I acquired during my
internship and during my completely on the job training and practical exposure, which I look forward to implement these all things in your company. So here I have done a lot of case study during the training, and I gather a proper knowledge from here. And now I can say you that I believe that it would be a great fit for your organization. So it would be a thing of a joy for me to practice my lifetime dream of working in your company, in a state of the art like that of one of the top company and like yours. So in this way, you are going to give your self-introduction for the interview. And in this, you are going to include it all 3 points, which I mentioned. So this is all about the self-introduction. Means how are you going to give your self-introduction about yourself? Here a lot of things by situations, it will be changes. But right now for interviewing point, this way you can introduce yourself. So thanks everybody for watching. I hope that you must like this video. And very shortly, we are going to share you the numbers of other tips also, and numbers of other interview tips. So thanks everybody for watching. And if you like, then don't forget to share it to others also. Thanks everybody.